गाइस, दिस इज मी वैदुल्ला। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रात के बज रहे हैं 3:30। आज सुबह हमारा टनल रिफ्यूज इवेंट है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ना दिखाएंगे इवेंट के ऊपर। दिस इज मी वैदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग। असल में हमारा सुबह इवेंट है, रात के बज रहे हैं 3:30। तो अब ना ये वो थिएटर वाली जगह जिधर ना स्टेज ड्रामे होते हैं, थिएटर होते हैं। यार ये वो जगह है मेरे पीछे, आप देख रहे हो गाइस, ये वो जगह है जिधर हमारा ना पाकिस्तान में थिएटर होता है। तो इसी प्ले पे ना, इस जगह पे हम इंशाल्लाह ताला सुबह एक इवेंट करवाने जा रहे हैं। तो आपको मैंने दिखाना था, ये हमारा व्यू है बाहर का। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं सुबह, क्योंकि अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। ये इवेंट हमारा इधर होगा अलहमदुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी वैदुल्ला, वेलकम टू वैदुल्ला व्लॉग। सो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है, इवेंट का नाम है इटर्नल रिफ्यूज। असल में हमारी मेमोरी बहुत डाउन हो चुकी है, हम रात को 3:30 बजे आए थे, तो इवेंट में मैनेजमेंट प्रिपरेशन कर ली थोड़ी, जिसकी वजह से हम लेट हो गए थे। आज हम निकलने लगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे सेकंड एजेंसी बॉय हैं, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बॉय। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदम है और मैं एडसन कॉलेज से 11th कर रहा हूं। वाओ, तो कुछ और बताना चाहेंगे? वैदुल्ला भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और वाईसी के में हम इकट्ठे वॉलंटियर हैं। यूसी में पढ़ते हैं लेकिन टिकटॉक नहीं बनाते हैं, मुझे थोड़ा सा टिकटॉक। ओह माय गॉड, मैंने बोला था मैं सुबह सुबह आऊंगा, रिलैक्स मूड होगा, लेकिन भाई ने फनी स्टार्ट कर दिया। इस भाई की बातें बहुत प्यारी लगेगी, चलिए हम मिलते हैं रास्ते में, आपको सफर स्टार्ट करते हैं। रात को हमारे पास पहला क्या सीन हुआ था? तो ये मेरे साथ यूसी भी देखी यार, ये आपको मिस कर रही है। तो हम आपको ना अभी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जर्नी। इवेंट बहुत हाई, आप देखें प्ले सेम है, एक ही जगह पे एक्टिविटी डिफरेंट होगी आपकी। प्ले से वही अलहमरा आर्ट गैलरी में एक ऑडिटोरियम है, उधर हमारा इवेंट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें प्ले सेम है, उसमें एक्टिविटी पहले क्या होती थी, रात को थिएटर शो हुआ है 1 बजे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्किंग स्टार्ट की। इंशाल्लाह ताला आज हमारा इस्लामिक इवेंट हो रहा है, जिसमें इंशाल्लाह डिफरेंट स्पीकर टॉक शो करेंगे। ओके बॉयज, हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बस जल्दी में सुबह सुबह, आवाज भी थोड़ी डाउन है क्योंकि रात को हम बहुत खपाई करके निकले थे। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। और अब हमने ये देखें, हमारे भाई जिसका वेट था वो भी शावर ले रहे थे, बड़े आराम आराम से नहाते हैं। तो वो आदम से पूछेंगे कि ये कैसे नहाते हैं। आदम, नाश्ता किधर करना है? नाश्ता देखते हैं इधर यार, जो जगह मिल गई अच्छी नाश्ते में। जगह तो मिल गई है लेकिन ये आप मुझे ये बताएं, आप एकदम से नाश्ते की बात पे कैसे आगे नहाते नहाते होते होते? ब्रो भूख लगी है, जो अंदर की तलब है वो बाहर तो आ जाती है ना। हम रात को 3:30 बजे के काम कर रहे हैं, तो अभी हम मॉर्निंग शो में जा रहे हैं। तो सॉरी, मॉर्निंग शो नहीं, हमारा इवेंट है यार, वैसे जगह वो थिएटर वाली है। अभी हम नाश्ते के चक्कर में हैं, उधर हमारा इवेंट स्टार्ट होने लगा है। तो ये भाई कह रहे हैं, एक कह रहा है गोगे पे जाना है, वो भाई पीछे कह रहे हैं सादिक पे जाना है। तो खैर, तो क्या मूसा भाई रिश्तेदार है सादिक? या मूसा, सॉरी हमने आपको डिस्कस कर रहे हैं, हम इबत नहीं कर रहे, आपके सामने भी कह सकता हूँ कि वो सादिक आपका रिश्तेदार तो नहीं। इबत तो वो किया कि मैं बैग बैटिंग करूँगा। तो अब हम नाश्ते के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, एक भाई को नान चने पसंद है, दूसरे भाई को क्या पसंद है। टाइम भी देख लें ब्रो, टाइम हो गया 8:30 आई थिंक, सो 8:44 यार, मैं 4-14 मिनट पीछे बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं, हमने पहुँचना टाइम से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम रात को अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अब हम आराम से 8 बजे का, और ये हम लोग पहुँच रहे हैं अभी, 8:44 हो गए हैं। अब देखिए आगे हमें 45 मिनट तो लगेंगे जाने में, भी नाश्ता भी करना है। तो देखते हैं हम जरा 10-10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक गेस्ट आके चले जाएंगे। वैसे बाय द वे, आप इतना सीरियस इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? सही बात मैं वही कह रहा हूँ कि इतना सीरियस हो के जैसे एंकर नहीं बैठे, इधर बहुत स्लाब आया हुआ है, इधर बहुत हरकते हैं। चले इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। हम निकले हैं नाश्ते के लिए। यार आपने कोई लतीफा नहीं सुनाया, कुछ सुना दो। नानचने खाने हैं और क्या खाने हैं साथ? चलो जी, इसको गेट बंद करो, नानचने खाएंगे साथ, आप हमारा मुंह देखेंगे। लेके कितने जा रहे हैं ये? हमने ना नाश्ते में हलवा पैक करवाया, तो इन्होंने कैसे पैक करवाया आदम जाओ, ये हमारे पास हलवा है, ये सादिक वाले हमारे चाचा आ गया, पीछे भाग जाओ।
नहीं बॉयज अभी हम पहुंचे हैं अलहमरा सेंटर पे, तो हम आपको ना अभी रुको यार, अभी रुको जरा सा, बट तो साथ इन्होंने बच्चा घुमा दिया एक। नहीं यार हमने बच्चा नहीं घुमाया, घुमाया अभी यार क्या जो ये कह रहे हैं कि बच्चा मैं खुद दूं। नहीं ये देखो मैंने जो बात आपको बतानी, आड़ियां साहब से मिलते हैं ये बहुत ज्यादा ये आदमी, यानी कुछ समझाओ कुछ। ठीक है अब हम जा रहे हैं ना, तो हम एंट्रेंस में जा रहे हैं। चलो बॉयज अब इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाने लगे हमारा इवेंट अलहमरा गया, तो आपको हम ले चलते हैं हॉल की तरफ, तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। यार एक ही जगह एक ही प्लेस है लेकिन डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जगह एक ही है, इधर पर रात को थिएटर हुआ था जिधर आपको ड्रामे वगैरह जिसे आप कहते, तो अब इधर इंशाल्लाह ताला हमारा इवेंट हो रहा है इस्लामिक। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि यूथ को हम दीन की तरफ देखें, ये मेरा एक इस्लामी भाषी की तरफ ये मैसेज है। छोटा सा सीन दिखाऊंगा, अब हमने इंशाल्लाह ताला हॉल के अंदर है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा फ्रंट दिखाता हूँ। ये हमारा मीडिया टीम के भाई, ये हमारा हॉल की सेटिंग होगी ऑलमोस्ट, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट दे देते हैं। और उससे डर गए वहमला इंसान, और इंसान ने उस अमानत को उठाया। इन्नहु काना ज़ालिमन जहूला, बिला शुबा इंसान बहुत बड़ा ज़ालिम और बहुत जाहिल है। अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, ये बात मेरे और आपके लिए भी ट्रू है। याद रखें अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदे को, अगर वो कोशिश कर रहा है चाहे वो गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो कोशिश कर रहा है तो वो कभी ज़ाया नहीं करेगा। फवल्लाही फवल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी ज़ाया नहीं करता। So this is the first thing I want you to understand. और नाम में आता हूँ अल्लाह सुबहान व तआला की पनाह में आता हूँ, किससे? मिनश शैतान रजीम। तो आज जो आपके साथ मैं टॉपिक आप समझे शेयर करूँगा वो है अश्शैतान, कि हमें शैतान के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी हम ये ताऊद पढ़ते हैं, जब भी हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं, तो हम किस एंटिटी से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं, किस एंटिटी से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, किस एंटिटी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुमसे ना डरते हैं ना हम समझते हैं कि तुम ताकतवर हो, और जिसकी पनाह में हम आ रहे हैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि सूरज जी बॉय सभी ना, हमारी चाय अभी लगी है तो हम ब्रेक का टाइम है। इंशाल्लाह ताला हम इवेंट की कुछ हमारी टॉक्स हो गई हैं कम्प्लीट, इंशाल्लाह अब हम आपको नेक्स्ट लेके जाएंगे ब्रेक में या अलहमरा हॉल में। मैं आपको अगेन रिपीट कराना चाह रहा हूँ कि ये वही हॉल है जिसमें रात को थिएटर हुआ था और अभी इस्लामिक स्पीचेस हो रही हैं, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की ब्लेसिंग है। तो ये हमारी चाय का प्रोग्राम लग गया है, हमारी टीम सारी ऑलरेडी हो गई है। इधर ना हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो हमने देसी काम रखा है ठंडा पानी करने के लिए। कौन सी ठंडी है, ये बर्फ के नीचे होगी तो ये ठंडी होगी, ये ठंडी होगी, तो ये ठंडी बोतल उठा ली है। अभी इंशाल्लाह ताला विद इन 10 मिनट्स हमारी तो ब्रेक है, हम उधर से मैनेजमेंट के सारे बच्चों के दस लाएंगे तो उनको ब्रेक कराएंगे, व्यू रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है टॉक शो के दरमियान। ओके मिलते हैं इंशाल्लाह। का टाइम हो गया है, आपको मैं ऑडियंस दिखा दूं माशाल्लाह कितनी बैठी हुई है। इंशाल्लाह ताला हम इनको नीचे ले जाएंगे, ब्रेक का मैंने आपको सुनहरा दिखाया था।
ये चाय गिर गया? नहीं नहीं गिरी, नहीं गिरी। ये हम चाय लेके जा रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ, देख सकते हैं आप कमेंट में बता दें फ्रीज के बाहर चीनी लादा से, मौसम में चीनी लादा से आप देख सकते हैं। हाउ मेनी? 8। हां ठीक है 8 ही। जब बर्गर बच्चे चाय पेश करते हैं तो इस तरह पेश करते हैं ये हमारे बर्गर बच्चे। तो ये हम स्पीकर के रूम में आ गए हैं, कभी ये देख सकते हैं। स्पीकर के गेस्ट रूम में आप बाहर से देख सकते हैं, ये फ्रिज में साथ है और हम इंशाल्लाह अल्लाह की आगे बाहर भी सर्विस जा रहे हैं। हम स्पीकर वाले रूम से हो गए हैं, वो इधर से हम जा रहे हैं। हम बताते हैं हमारा रास्ता पाथ है कैसे। ये यार आपने मुझे मेरा बहुत ब्लॉग बार बार डिस्टर्ब कर रहे, मुझे बस अंदर एंट्री से सारे आगे बाहर सारे आ जाओ। क्या कहने चाहेंगे कुछ रिव्यू के बारे में? क्या रिव्यू दो कुछ, सही हो रहा काम? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना होते तो कैसे होते? मजा ना आता है ना। हाँ कैसे आपको रिव्यू देखने आपके बगैर मजा ना आता। कैमरा ही नहीं जा रहा, क्या करें। नहीं जी अभी हमारा ब्रेक टाइम है तो इसके बाद हम ना आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो ये मेरा भाई मुझे पहले इशारा कर रहा है, ये देख लो ये कह रहा है कि बस कर दो। अब मैं चुप कर जाता हूँ। They wanna know what I'm with some dust, we'll give them that one. When they wanna hate on our deen, we'll give them that one. Who's the one and only? Nobody but Allah. Let me break it down right now for you. आपको थोड़ी सी उसके ऊपर जान मारनी पड़ती है, लेकिन जब आप उस पर अमल करना शुरू करते हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म अपनी जिंदगी के अंदर उसका असर नजर आता है। यानी अगर आप मुझसे कहेंगे कि जी मुझे बताएं कि मैं अभी कुरान मजीद की आयत पढूं और मुझे फौरन मेरी ज़िंदगी बदल जाए और मेरा दिल जो है बाग बाग हो जाए, हो सकता है ऐसे, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपको अगर दुनिया की मोहब्बत, ज़ाहिर है बहुत से अमल करने की वजह से दुनिया की मोहब्बत आई है आपके दिल में ना, तो जितना आप ज़्यादा उसके अंदर डीपर डिग इन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में मोहब्बत आएगी। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि कुरान मजीद की सबसे बेहतरीन दिलों के अस्सलाम वालेकुम बॉयज, आज हमारे वैसे से आपको वैसे देना चाहते हैं कि हमने आज इधर हमरा आर्ट्स में ना एक वेन्यू में यूथ के नाम से हमने इवेंट करा है। तो इसमें बेसिकली हमारा मोटिव ये था कि हमने स्टूडेंट्स को दीन की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। बेसिकली हमारी जितनी भी एंट्री हुई है वो उसमें यूथ ही है सारे, तो नौजवान ना दीन की तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो उस प्लेटफॉर्म को हम प्रोवाइड करने के लिए उनको एक हमने इवेंट रखा है ताकि हम उनको ऐसे प्लेटफॉर्म में लाएं जिधर वो अपनी एक्टिविटीज़ करके वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को इन्जॉय कर सके। यू नो शशके के बगैर इंसान जी नहीं सकता, लड़की हो या लड़का हो उसने मज़ा ढूंढना आता है। तो फिर हम उसको ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि यार हम ना उनको दीन की तरफ लाएँ और हम उनके सरा पानी मिल का प्रोग्राम हुआ प्ले स्पोर्ट का ला इस तरह के हम एक्टिविटी कराते रहते हैं। चलो यार हम आपकी ट्रेनिंग लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपको इसका सिनेरियो, इसके बाद भूख लगी है हमारा लंच होने वाला है, लेट्स आपको मिलते हैं सूफी के साथ। अभी ना हम ना बाहर चाय का पता करने जा रहे हैं तो वो फ्रीद अभी आ रहा है तो चाय भी मिलेगी हमें। ये देखो इधर ये भी तलाहा होता ये जिन और जादूगर अस्तगफिरुल्लाह इधर ये होता है तो, लेकिन हम इधर ये होता है हम ये करवा रहे हैं ये। अगर वो सामने देखना चाह रहे हो ना तो उस साइड पे पार्क भी आता है ये अल्हम्रा आर्ट्स में, तो ये इस साइड से वो देखें आप, वो आप देखो बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं पार्क में, वो आदम वो कौन बैठा हुआ चेयर पे, कैन यू स्पीक लाउडली? चाचा बाला बैठे। नहीं आएगी ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। आ, 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 आ,
wanna know about Islam, we'll give them da'wah. They wanna know what a Muslim does, we'll give them da'wah. When they wanna hate on our deen, we'll give them da'wah. Who's the one and only? Nobody but Allah. Let me break it down right now for you. See da'wah is a call to you. It's an invitation to change your life, calling you to see the truth.